नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सभी का स्वागत। नंबर वन चैनल का नंबर वन शो साजिश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। साजिश में आज आपको दिखाएंगे गाजा की गलियों में चल रहे युद्ध की सबसे नई तस्वीरें। इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने के लिए हमास ने अपना सीक्रेट हथियार चलाना शुरू कर दिया है। ये इतना सटीक है कि एक ही हमले में इसराइल के कई टैंक दम तोड़ चुके हैं। इस वीडियो ने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक हड़कंप मचा दिया है। दो मिनट के वीडियो ने इजराइल को चौकन्ना कर दिया है। इसके हर एक सेकंड में इतनी आग है कि गाजा के युद्ध का सबसे खतरनाक चेहरा सामने आ गया है। इसराइल में माना जा रहा है कि अगर हमास के इस खतरे से नहीं निपटा तो गाजा में उसे हार का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से हमले हो रहे हैं, बहुत से धमाके हो रहे हैं। इसराइल के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को हमास चुन चुन कर मार रहा है। हमास ने क्या दिखाया, इसराइल ने क्या छुपाया, कौन गाजा में एक्सपोज हो गया, इसकी फायर पावर में दम है और किसने 24 घंटे के अंदर कौन सा बड़ा दावा किया है। दो मिनट के अंगारों से भरे इस वीडियो में सब कुछ पैक है। आग बहुत ज्यादा है, कौन कितनी लाशें गिरा रहा है। आप जानकर चौंक जाएंगे। इस वीडियो को आप डिकोड करते हैं। वल्लाह एक एक सेकंड बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देखिएगा। यह है गाजा में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हमास का सबसे नया वीडियो, जिसमें शुरुआत से पहला धमाका कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक से दिखाया गया। इसके बाद आती है वो तस्वीरें जिसमें हमास के हमले की बड़ी शुरुआत होती है। खंडहर बन चुके गाजा की एक इमारत से दिखाई देता है इसराइल का मरकावा टैंक। हमास मोर्चा संभालता है और फिर छुप कर फायर करता है यासीन रॉकेट। रॉकेट फायर करते ही हमास का ये दस्ता दूसरे कोने पर भागते हुए पहुंचता है। एक टूटे हुए दरवाजे के बाहर रॉकेट ताना जाता है और फिर वहां खड़े इसराइल के एक टैंक पर यासीन एंटी टैंक रॉकेट दाग दिया जाता है। तीसरा हमला भी आड़ से किया जाता है। टारगेट पर इजराइल का टैंक है और हमला भी यासीन रॉकेट से किया जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर हमास का ये रॉकेट पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बन गया है। चौथा हमला सड़क के पास खड़ी एक नेमर बख्तरबंद गाड़ी पर किया जाता है। इसमें 9 सैनिक बैठते हैं, इसलिए नुकसान का अंदाजा लगाइए।
पांचवें हमले के लिए हमास का एंटी टैंक दस्ता फिर गली में आता है। इसके गली के एक मुहाने पर खड़े इसराइल के मरकावा टैंक को यासीन रॉकेट से टारगेट किया जाता है। निशाना सटीक लगता है, हमलावर स्क्वाड फिर छुप जाता है। यही होता है गोरिल्ला युद्ध। छठे हमले के लिए फिर यासीन रॉकेट से निशाना साधा जाता है। रोड की दूसरी तरफ एक मरकावा टैंक खड़ा है और फिर धमाका एक दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड किया जाता है। सातवां टैंक बहुत ही खतरनाक है। हमास का एंटी टैंक दस्ता फिर से नेमर बख्तरबंद गाड़ी से टारगेट करता है, दूसरी सिर्फ 20 से 25 मीटर। ऐसे हमले इसराइल को बहुत गहरे जख्म दे रहे हैं। हमास छुप कर हमला कर रहा है और इसराइल के पास इसे काउंटर करने के लिए गाजा में और गहरा जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आठवां हमला एक बुलडोजर पर होता है। ये है इसराइल का बख्तरबंद बुलडोजर D9। हमास इस पर रॉकेट से वार नहीं करता बल्कि इस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। अभी तक के युद्ध में हमास का दावा है कि उसने इसराइल के 60 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। इसराइल ने भी कई हमलों की पुष्टि की है। ऐसे में सवाल है कि क्या गाजा में चल रहा गोरिल्ला युद्ध इसराइल पर भारी पड़ने वाला है। इसराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक हमास की बड़ी हार शुरू हो चुकी है और अभी तक इसराइल ने हमास के 12 कमांडर मार गिराए हैं और अब उसकी लिस्ट में अगला नाम सिनवार का है, जिसे इसराइल 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड मानता है। הולכות ומתפרקות כתוצאה מהפעולה הנחושה של לוחמי צה"ל. אני יכול לומר לכם ש-12 מפקדי גדודים של ארגון הטרור חמאס כבר חוסלו והיד עוד נטויה. אנחנו נגיע לכולם, לשרשרת הפיקוד ולמחבלים שבשטח. लेकिन इसराइल के पास अभी तक अपनी कामयाबी दिखाने के नाम पर सिर्फ गाजा पर हवाई बमबारी के अलावा कुछ नहीं। जबकि हमास जो वीडियो जारी कर रहा है उसमें इसराइल के टैंक फटते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इन सब हमलों में हमास का यासीन रॉकेट इसराइल के लिए बहुत बड़ा खलनायक बनकर उभरा है। यासीन रॉकेट कैसा होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये रॉकेट एक तरह से RPG यानी कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का ज्यादा खतरनाक वर्जन है, ज्यादा डेंजरस है और ये है यासीन 105 रॉकेट जो कि रशिया के भी PG-7VR की नकल कहा जाता है, यानी कि उससे भी ज्यादा खतरनाक कहा जाता है इसे। लेकिन इस रॉकेट की खासियत क्या है? इस रॉकेट में 2-स्टेज वॉरहेड लगे होते हैं, यानी कि इसमें 2 जगह विस्फोटक होते हैं, एक यहां एक यहां। अब समझिए ये क्या काम करते हैं। इन्हें सबसे पहले तो आप ये जानिए कि टैंडम वर्जन कहा जाता है, यानी कि एक विस्फोटक इसमें आगे लगा होता है ठीक इस जगह पे, वहीं दूसरा विस्फोटक पीछे की तरफ 105 मिलीमीटर के दायरे में होता है और टैंक में जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर यानी कि एरा जो कवच होता है, पहला जो विस्फोटक यहां लगा होता है उसे भेदने का काम करता है, जिसके बाद 105 मिलीमीटर वाला वॉरहेड बड़ा ब्लास्ट करता है और फिर तहस नहस तबाही ला देता है और ये किसी भी टैंक की बख्तर को आसानी से भेद सकता है। एक बार ये वॉरहेड टैंक में घुसता है तो समझ लीजिए कि अंदर जो भी होगा वो जल जाएगा, उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। और इसी रॉकेट से 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल के टैंक पर हमला किया था तो फिर उस बाद अंजाम क्या था हम सभी ने देखा था। हमास के गोरिल्ला युद्ध में सुरंगों का इस्तेमाल हो रहा है। हमास के एंटी टैंक दस्ते सुरंगों से निकलकर इसराइल के टैंकों पर विस्फोटक फिट करने लगे हैं। ये बात इसराइल को बहुत परेशान कर रही है। ऐसे ही एक वीडियो में हमास का एंटी टैंक दस्ता इसराइल के एक मरकावा टैंक पर विस्फोटक लगाकर आ जाता है। पहले उसमें धमाका करता है, इसके बाद पास में खड़े एक दूसरे मरकावा टैंक पर यासीन रॉकेट से अटैक किया जाता है। दोनों ही हमले टैंक पर अचूक निशाना साबित होते हैं।
हमास अब कंप्यूटर ग्राफिक से बनाए गए वीडियो में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसराइल के टैंक पर कैसे विस्फोटक चिपकाया जाता है। इसे आप हमास का एंटी टैंक वॉरफेयर ट्यूटोरियल भी कह सकते हैं, जिसमें रॉकेट या मिसाइल का इस्तेमाल नहीं होता, बस टैंक पर जाकर विस्फोटक लगा देना होता है। इस वक्त इसराइल की सेना गाजा के अंदर एक एक इंच को साफ करके आगे बढ़ना चाहती है ताकि हमास के किसी भी खतरे से निपटा जा सके। गोरिल्ला युद्ध में इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और ये बात ग्राउंड ऑपरेशन के शुरुआती झटकों से साफ हो चुकी है। इसराइल के टैंकों पर इस वक्त अलग से जाली वाला कवच लगाया जा रहा है ताकि टॉप एंगल अटैक से मरकावा को बचाया जा सके। इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अभी उत्तरी गाजा में चल रहा है। इसराइल की सेना एक एक कोने को तलाश रही है क्योंकि कहां पर सुरंग होगी और कहां से हमास का अगला हमला होगा, इसकी उसे भनक तक नहीं लगती और हमला हो जाता है। जबकि इसराइल का दावा है कि हमास के कई कमांडरों की कब्र खोदी जा चुकी है। סופגים מכות קשות ואנחנו מפרקים גדוד אחרי גדוד. אפשר לראות כאן את אזורי העיר עזה. בכל מקום כזה, בכל ריבוע כזה, יש לפחות מסגרת גדודית או פלוגתית. המסגרות האלה הולכות ומתקרסמות, הולכות ומתפרקות כתוצאה מהפעולה הנחושה של לוחמי צה"ל. אני יכול לומר לכם ש... हमास के नए नए वीडियो आ रहे हैं जिसमें गली मोहल्लों से युद्ध दिखाया जा रहा है। हर जगह यासीन रॉकेट ही हमास का सबसे सटीक हथियार साबित हो रहा है। इस वीडियो में भी हमास के एंटी टैंक दस्ते अचानक सामने आते हैं और खंडहर बन चुकी इमारतों से इजरायली टारगेट पर यासीन रॉकेट दाग देते हैं। रॉकेट को हमास ने अब अपनी जरूरत के मुताबिक तैयार कर लिया है और वो इजराइल के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर इससे हमला कर रहा है। इजराइल टैंकों के खिलाफ ये काफी कारगर माना जाता है। आप सोचिए कि इजराइल तो पहले ही अपने एडवांस आर्मामेंट्स के लिए जाना जाता है और इजराइल सबसे ज्यादा अपनी सेना की सुरक्षा के में खर्च करता है। अब इजराइल के टैंक्स को भी अगर ये भेद पा रहा है, उसके कवच को भी अगर ये भेद पा रहा है, तो समझिए ये कितना ज्यादा डेंजरस है, इसकी मारक क्षमता कितनी ज्यादा है। दुनिया भर में ये किसी भी सेना या फिर मिलिशिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है क्योंकि यह किसी भी एंटी टैंक मिसाइल के मुकाबले सस्ता होता है लेकिन तबाही उतनी ही ज्यादा मचाता है। आप समझिए कि जेवलिन जैसी मिसाइलें जो कि करोड़ों के निर्माण के बाद बनती हैं, ये महज कुछ डॉलर्स में ही बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि सस्ता भी है, टिकाऊ भी है और सबसे बड़ी बात खतरनाक यानी डेंजरस भी है। यासीन रॉकेट का नाम हमास को कायम करने वाले शेख अहमद यासीन पर रखा गया है। 2004 में इजराइल ने एक हमले में शेख अहमद यासीन को मार डाला था, लेकिन अब इस रॉकेट को अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुके हमास ने एंटी टैंक दस्तों में इसकी सप्लाई तेज कर दी है। यही वजह है कि गाजा का गोरिल्ला युद्ध शुरुआत के साथ ही बहुत ही खतरनाक स्टेज में पहुंच चुका है। इसराइल की लगातार बमबारी के बीच हमास के पास इस वक्त सड़कों पर लड़ने के लिए इससे बेहतर हथियार नहीं है। ये बात इसराइल भी जानता है और उसके सामने इस रॉकेट का तोड़ निकालना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है।